रेड रिबन बैनर तले बनी फिल्म विराम का प्रेशर अंधेरी के फन रिपब्लिक सिनेमा में दिखाया गया। इस फिल्म के डायरेक्टर है जियाउल्ला खान और प्रोड्यूसर है हरि मल्होत्रा। इस फिल्म में मुख्य किरदार नरेंद्र झा, उर्मिला महात्मा और मोनिका रावण ने निभाया है। मैं जियाउल्ला खान, डायरेक्टर ऑफ फिल्म विराम। ये फिल्म जो है बड़ी खूबसूरती से जो ह्यूमन इमोशंस हैं उसको दर्शाती है। हर कैरेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसके ज़रिए वो कुछ कन्वे करना चाहता है ऑडियंस तक, वो है प्यार। इस फिल्म के ज़रिए हम कहना चाहते हैं दर्शकों से कि प्यार एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए दुनिया में किसी भी चीज़ को बदला जा सकता है। शूटिंग के दौरान चैलेंजेस थे दो बहुत ही बेहतरीन एक्टरों के साथ काम करना, नरेंद्र जी जो कि सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, उसके साथ जो हमारी एक्ट्रेस हैं लीड एक्ट्रेस उर्मिला महांता, वो भी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है। FTI से हैं, काफ़ी फिल्में की हैं, उन्हें माजिद मदीजी की भी फिल्म की है हाल में। उनके साथ काम करना भी अपने आप में एक चैलेंज था, उनको डायरेक्ट करना, उनको इमोशंस या एक्टिंग के बारे में बताना, उनसे एक्टिंग करवाना, ये अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया और बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी। हमने इस फिल्म की शूटिंग देहरादून के खूबसूरत वादियों में किया है। देहरादून के अलावा हमने मुंबई में भी शूट किए हैं कुछ इसके सीन। बहुत ही खूबसूरत शहर है देहरादून, वहाँ शूट करना अपने आप में ही बहुत मतलब अच्छा अनुभव था। क्रू में हमारे बहुत मतलब अच्छे क्रू थे, जॉनी लाल जो कि सिनेमाटोग्राफर थे, जिन्होंने पहले फिल्म की है, पार्टनर्स ऐसी फिल्में की हैं, उनके साथ काम करना बहुत ही आसान था। सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं। हमारे फिल्म के दौरान जो कुछ अच्छे टेक्नीशियन से हमारी मुलाकात हुई, उसमें से आशीष गायकर भी हैं जो हमारे एडिटर हैं। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। नरेंद्र जी के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एक्टर। हाँ, फिल्म के शूटिंग के दौरान उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बावजूद मतलब खबर मिलने के कुछ मेरे ख्याल से कुछ 30-40 मिनट बाद वो सेट पे थे और प्रॉपर वो सीन कर रहे थे बिना किसी मतलब चेहरे पे शिकन लाए हुए। उन्होंने पूरी शूटिंग पूरी की, बीच में वो सिर्फ 2 दिन के लिए गए पिता के अंतिम संस्कार और उसके जो कार्यक्रम होते हैं देहांत के बाद, वापस आए और फिर से फिल्म में लग गए। इज़ रियली वेरी डेडिकेटेड एक्टर। मेरी अगली फिल्म जो है वो हम प्लान कर रहे हैं, वो विजुअल मूवी मैन्युफैक्चर एक नई कंपनी है, वो कर रही है DDLJ, उसका फुल फॉर्म अभी रिवील करने के लिए मना किया गया है, उसके पीछे कुछ राज है, PR है। बड़ी खूबसूरत फिल्म है, प्लान के हिसाब से अनिल कपूर, सुष्मिता सेन, अरबाज़ खान होंगे उस फिल्म में, बाकी और कलाकारों के बारे में बात की जा रही है, जल्द ही उसका अनाउंसमेंट होगा। हाँ, इस फिल्म की कहानी मूलतः राजीव योगेंद्रनाथ की थी और हरि मेहता जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग मैंने और मेरे बड़े भाई साहब हैं जो एक्सिस बैंक में जॉब भी करते हैं, उसके अलावा लिखना उनका शौक है, तो हम दोनों ने मिलकर लिखा था और बड़ी खूबसूरती से लिखा है। दर्शकों ने भी देखा, हमारे क्रिटिक्स ने भी देखा और जल्दी ही पूरे भारत के दर्शक देखेंगे और उम्मीद है कि उसे पसंद करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस फिल्म के ज़रिए हम सिर्फ एक ही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि इंसान को इंसान से सिर्फ प्यार करना चाहिए और प्यार के ज़रिए ही दुनिया की सारी बुराइयां मिटाई जा सकती है, उस पर विराम लगाया जा सकता है। तो आप लोग भी अपने फिल्म न देखने के जो कस्में खा रखी हैं थिएटर नहीं आने पर, उस पर विराम लगाइए और 1 दिसंबर को विराम देखिए। थैंक यू। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, 2 साल की मेहनत कल रंग लाएगी। तो मैं तो अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि मैंने हर क्षेत्र में मेहनत की है, स्टोरी से लेके, एक्टिंग से लेके, सिनेमाटोग्राफी से लेके, म्यूजिक से लेके। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दर्शकों को पसंद आएगी और कृपया ज़रूर जाएं और देखें। बस यही आपसे प्रार्थना है। मैंने अपनी भारतीय संस्कृति को ज़िंदा रखा है, यूरोपियन कल्चर को नकल नहीं किया है। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जो भारत के संस्कार हैं उनको ज़िंदा रखें और हमारे जैसे प्रोड्यूसर्स को प्रोत्साहन दें ताकि आगे चल के हम और अच्छा प्रोडक्ट दे सकें। टेस्टी नहीं है, मैं उस तरह का काम करना ही नहीं चाहता हूँ। और जो टेस्ट है मेरा, मैं कांस में फिल्म चलाई गई है, इंटरनेशनल
पीपल वहाँ थे, सबने बहुत सराही है, बहुत अच्छा लगा उनको। तो मेरा कुछ ख्याल ऐसे हैं जैसे ऋषिकेश मुखर्जी के थे या बेमला के थे, तो मैं उसी तरह की सिनेमा पसंद करता हूँ। विराम एक्चुअली देखिए मैं बोलता रहूँ, विराम का अर्थ यही है कि अपनी मेटलिस्टिक डिज़ायर्स पे स्टॉप करना, या और भी कोई गंदी आदत है या कोई गंदी बात है उसको स्टॉप करना। तो इस फिल्म में लगभग सभी करेक्टर्स का कहीं ना कहीं विराम लगा है, चाहे वो हीरो हो या हीरोइन हो, सबको विराम कहीं ना कहीं देना पड़ा है अपने आप में। मेरा हीरो बहुत दुखी रहता है लेकिन एक स्टेज पे वो उससे पार हुए हैं, उसको विराम लगा है। और बाकी मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, स्टोरी खुलेगी जब आप जाएंगे, दर्शक लोग देखेंगे, अपना आप फील करेंगे। वही द नेम विराम इज गिवन। इसके पहले भी 2012 में मेरी एक फिल्म आई थी, फ्यूचर तो ब्राइट है जी, काफ़ी अच्छा लगा लोगों को। यूट्यूब पे आज अभी भी वो उपलब्ध है और काफ़ी एप्रिसिएशन आते रहते हैं मुझे बीच बीच में, और मैं समझता हूँ इस फिल्म के बारे में भी लोग अच्छा सोचेंगे। मैं हरि मल्होत्रा फिल्म विराम का प्रोड्यूसर हूँ, और आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, मेरी फिल्म कल रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ ज़रूर जाइए और देखिए और मुझे बताइए कि कैसी लगी। बहुत सालों के बाद एक ऐसी इमोशनल फिल्म आई है जो बहुत टच करता है हार्ट को, इमीडिएट जो इनके जो कैरेक्टर्स हैं इनको बहुत अच्छा तरह से स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और हालांकि थोड़ा सा फिल्म का टेम्पो स्लो है मगर वो फीलिंग्स आने के लिए शायद टेम्पो स्लो रखा हुआ है, और डायरेक्टर का पूरा इसमें ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे स्क्रिप्ट को जो बहुत सेंसिटिव और एक वुमेन को उनके मन में क्या हो रहा है, और उनकी वाइफ ऑलरेडी गुजर चुकी है और उनको प्यार करने के लिए वो डरते हैं, और ये जो उनका जो इश्यूज बताए हैं कि शुड आई लव हर और नॉट, मैं उनको प्यार करूं कि नहीं, ये बहुत सालों के बाद एक ऐसी फिल्म आई जो हीरो डरता है, और ये एक ह्यूमन रिएक्शन है, एक ह्यूमन इमोशन है, और इसको बहुत अच्छी तरह से ज़ियाउल्लाह जी ने डायरेक्ट किया है, और मैं समझता हूँ कि ये लेडीज़ लोगों को ज़्यादा पसंद आएगी ऐसी फिल्में, क्योंकि एक 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 हीरोइन के थ्रू पूरी फिल्म जा रही है, और बहुत अच्छा काम किया सब लोगों ने, नरेंद्र झा ने, महंता ना, और काफ़ी अन्नपूर्णा विठल, इन तीनों के ऊपर काफ़ी पिक्चर में एक इंडियन सेंटीमेंट बोल सकते हैं, एक इंडियन वैल्यूज़ बोल सकते हैं, एक इंडियन रोमांस बोल सकते हैं, और बहुत सालों के बाद एक ऐसी अच्छी फिल्म आई है। और म्यूज़िक खास करके सिद्धांत माधव हैज़ डन वंडरफुल, और जो सिंगर है प्रीति सिन्हा उन्होंने बहुत अच्छा गाई है, और हरि मल्होत्रा जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन ये आजकल जो इंटरनेट और ये सैटेलाइट और डिजिटल इनमें तो खूब चलने वाली है फिल्म, तो मैं समझता हूँ ये शेल्फ फिल्म है, हर जो ऑडियंस है वो चाहेगी कि ये फिल्म घर में भी देखे, तो ऑलराउंड फिल्म चलने की चांसेस बहुत ब्राइट है। अब देखिए फ्राइडे को ये इसकी कैसे ओपनिंग होती है मल्टीप्लेक्स में, सिंगल स्क्रीन में, हालांकि इसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी की है हरि जी ने, और सब जगह पे ये दिख रहा है पब्लिसिटी भी, तो ऑल द बेस्ट टू द फिल्म मेकर हरि मल्होत्रा जी एंड ज़ियाउल्लाह जी। सो मूवी बहुत ही सिंपल एंड एवरीबडी इज शोन इनोसेंट बाय द एंड ऑफ इट, एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग एंड टीचेस यू अ गुड लेसन बाय द एंड ऑफ इट। ये मूवी कोई भी क्राउड देख सकता है, इट्स नॉट लाइक टारगेटेड टू किड्स और एडल्ट्स और एनीथिंग। बहुत अच्छी मूवी और आई थिंक सब देख सकते हैं। सी द ब्यूटीफुल मैसेज दैट दिस मूवी गिव्स यू इज दैट एवरीबडी इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे,
So by the end of it, see, in the beginning, it was shown that, you know, she is prostitute and everything is so bad and everything. But by the end of it, she was shown innocent, and it shows that every person has a beautiful soul. So that's a beautiful lesson. Viram, बहुत ही गंभीर टाइटल हैं, इस फिल्म को देख के मज़ा आया। इस फिल्म के बारे में ये बोलूँगा कि ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिस फिल्म में है, ऐसी फिल्म है जो आजकल देखना मुश्किल है, और कहानी में भी एकदम जोर दिया गया है, और बढ़िया म्यूजिक भी है इस फिल्म का, सिद्धांत माधव एम्बेलिशमेंट। और ख़ास करके इस फिल्म में मैंने देखा कि जो सिंपल टेल इंग्लिश व्हाट वी कॉल्ड ए सिंपल टेल ऑफ डिसीट लव एंड इंट्री, ऐसे एक फिल्म को बनाया है ज़ियाउल्लाह खान एज अ डायरेक्टर, और साफ सुथरी फिल्म है। इवन दो देर आर हॉट रोमांटिक सीन्स, फिल्म की हाईलाइट ये है कि दे आर ट्रीटेड ऑलमोस्ट लाइक ए वेजिटेरियन, क्योंकि किसिंग सीन्स नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि द कपल इज इंडल्जिंग इन किसेस। और हर आदमी पॉजिटिव भी नहीं और हर आदमी नेगेटिव भी नहीं, हीरो फॉर ए चेंज दे आर शोन हिम एज ए 50+ ईयर ओल्ड गई और लड़की 20 साल की, लेकिन डायलॉग के जरिए ये बता देते हैं कि वो विडोवर है और काफ़ी अंतर है उन दोनों की एज में, तो एकदम जस्टिफिकेशन हो जाते हैं। एंड लड़की जो शी कम्स विथ अर एजेंडा, बाद में वो एजेंडा क्या हमें पता चलता है, लेकिन फिर भी हम उसे नफरत नहीं करेंगे। और बहुत को भी काम अच्छा किया है नरेंद्र झा एज अ विडोड बिजनेसमैन, उर्मिला महंता एज अ गर्ल हु कम्स इनटू हिज लाइफ, देन खास करके मौसी का रोल जो अन्नपूर्णा विट्टल ने किया, वही एकदम ह्यूमन टच वाली है। एंड ऐसी फिल्म आजकल बहुत कम बनते हैं, और एज फार एज इट्स रनिंग इन थिएटर्स कंसर्न, अगर चलती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन आजकल ऐसी फिल्म थिएटर में कम, और ड्राइंग रूम में और टेलीविजन में और वीडियो कैसेट्स में ज़्यादा चलती है, बिकॉज इनका एक लॉन्ग लाइफ होता है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है। एंड प्रोड्यूसर हरी मेहरोत्रा हैज़ डन ए नीट एंड क्लीन जॉब, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू येट अनदर फिल्म फ्रॉम हरी जी एज वेल एज ज़ियाउल्लाह खान, क्योंकि अच्छे फिल्म देने वाले आजकल बहुत कम हैं। थैंक यू। फिल्म एक इमोशनल ट्रेजेडी ड्रामा है जिसमें संबंधों के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि मैन वुमन रिलेशनशिप कैसा होता है, और उसमें थोड़ा सा थ्रिलिंग और जॉनर की तरह उन्होंने डायरेक्टर साहब ने हैंडल करने का कोशिश किया है, और एक इमोशनल ड्रामा ट्रेजेडी बता सकते हैं फिल्म। इस फिल्म से कुछ खास मैसेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें मैसेज तो कोई नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट है थोड़ा सा, काफ़ी भावना प्रधान फिल्म है जो काफ़ी आजकल नहीं बनती हैं भावना प्रधान फिल्में। लोगों का डायरेक्टर साहब का डायरेक्शन में इतना जो उन्होंने अच्छा डायलॉग्स अच्छे सिचुएशन अच्छे सीन्स लिए, वो फिल्म के काफ़ी कंट्रीब्यूशन एफर्ट है उसमें, बहुत अच्छी लगी। विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप, तो एक बार आदमी के दिल से ऊब जाता है अपने घटनाओं से, तो अपनी ज़िंदगी को एक दर्द भरे माहौल में देखता है और खुद को किसी तरह से ख़त्म करने का सोचता है, तो वो विराम होता है, मतलब एक आदमी की ज़िंदगी का विराम। टोटल फिल्म बहुत अच्छी है ओवरऑल, और फिल्म के गाने बहुत अच्छे हैं, लोकेशंस बहुत अच्छी है, और फिल्म में जो है एक इमोशनल फिल्म है और म्यूज़िकल, और लास्ट में एक सस्पेंस भी खुलता है, तो ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी है और फिल्म चलनी चाहिए। फिल्म हर माध्यम में, ये मुझे लगता है थिएटर के साथ साथ जो और भी अन्य माध्यम है वहाँ भी चलेगी। हाँ, मुझे फिल्म अच्छी लगी। अभी पर्टिकुलर कोई सीन के बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इमोशनल सीन्स हैं और जहाँ टर्निंग होती है, कहानी जो है टर्न करती है, वहाँ एक इंटरेस्ट पैदा होता है ऑडियंस का जो है। विराम फिल्म बहुत अच्छी है, स्टोरी जो लिखी है वो दिल को टचिंग है, मतलब जो दिल को छूती हुई है। ख़ास बात यह है कि एक इमोशंस के साथ में जो मूवी बनाई गई है,
इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, जो इतनी बड़ी मूवी को मतलब एक दिल से दिल तक पहुंचाती है, इतना मैसेज देती है। गाना तो सभी गाने अच्छे हैं और इमोशन सॉन्ग्स हैं, तो शायद सबके दिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। बहुत अच्छी है, होप सबको पसंद आए। वीराम बहुत अच्छा नाम है, एक ख्वाहिश रहती है इंसान की तो पहुंचना चाहता है कि एक विराम तक, तो वो एक मैसेज दिया है पब्लिक को कि विराम के एक अलग अलग मतलब होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एंड ही विराम होता है, शुरुआत को भी विराम बोल सकते हैं।